लाइन चेंज कराने के बाद हम जा रहे हैं थोड़ा हुसैना गए, वहाँ थोड़ा सा काम करते हैं, गला भी ख़राब, तबीयत ख़राब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बीजी बेबी अपने चैनल पे वेलकम करती है, हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। मेरा छोटा सा ब्लॉग है, इसको को कम्प्लीट देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखें आप हम क्या लेने आए हैं, क्या लेते हैं, क्या हर चीज़ लेना ही तो नहीं होती। बहरहाल देखते देखते कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो इसके लिए पूरी मार्केट घूमना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बहुत सोच समझ के फैशन के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी हो तो ये थका देती है काम। ये क्या है, बस माशाल्लाह अंदरून कैसी है, अंदर झाँके दे सबसे बस। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे इधर पढ़ते होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ली है, थक चुके हैं, घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पापा कहाँ है, पापा के बेड पे सो गए हो। बिस्मिल्लाह, किसकी फुफुआई, किसकी दादुआई, लख बारी बिस्मिल्लाह। अच्छा गले में अहमद की दादुआई, क्या लाया अहमद, अच्छा क्या चीज़, क्या वो मैं आजा बस लाया शेर, मेरा बबर शेर है अहमद। ये कौन खड़ा है ऊपर, ये किसका बबर शेर खड़ा है, आमद का। और ये वो देखो, वो कपड़े लेने गई थी अपने घर, क्या दे अपने घर, हम अपने घर आ गए ना। हाँ वो तो दादू का घर है, छोटी दादू का, हम अपने घर आ गए। ये देखो वो कौन आई हुई है, ये आमद के पापा भी खड़े हैं इधर, नीचे वाली इसके ऊपर उसके आप ही पहले ट्राउजर वाली, वो कहा है वो दिखाया तो ये शोर कलर आ गए, 1 2 3 इधर उधर चला गया, 3 और 4 मेरे बेटे ने नीचे पहनी है, शौर्य प्यारे प्यारे कलर है। इसको उतार दो ऊपर वाली। अहमद खान के लिए भी शॉपिंग की है, गरम दूध, आधा चम्मच हल्दी, इसमें अपने जायके के हिसाब से शहद डालें और इसको एक एक सिप पीनी है, इकट्ठे नहीं पीनी वरना गले में चुभती है, ख़ारिश होती है। सोते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह का सलाम, सुबह का नाश्ता आ चुका है, सुबह का नाश्ता ले रही हूँ एग चाय, सारी रात खांसी रही है, बिल्कुल मुंह बंद भी नहीं हुआ, गले में सहजू में दर्द, रात को मैं सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी पी के सोई थी, तो आज एडमिंटन लेती हूँ। एडमिंटन में डब्बी शीशे की होती है छोटी सी, उसमें होते हैं 5-6 आएगी तो याद रहेगा, बस वो लेती हूँ, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम आमद खान, उठिया वदी है, कहाँ वदी है, कहाँ है पापा, इधर से भी पोछा करती है, इधर से भी पोछा करती है अपने भाई बेटे को। थोड़ी सी चाय ले ली है, थोड़ा गला खुल गया है, थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाएगा, समय नहीं आती, इसका मसला क्या है। फैन करके घुमा रहा है इसको, हाँ इसका फ़ैन घूम रहा है, इसको तो शर्दी लगेगी, ठंड लग जाएगी, इसका ताज है फैन है, फैन से उड़ जाएगा वैसे ऊपर, इसका फैन है। मेरे बस आज का दिन बीमारी के साथ, आमद खान के साथ, क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, घर में रहेंगे सब आपके साथ शेयर करते हैं, आमद खान के साथ व्लॉग बनाते हैं, सब मसरूफियात दिखाते हैं, तबीयत नासाज बहुत ज़्यादा, आज रेस्ट करते हैं, आज घर की मसरूफियात शेयर करते हैं, इंशाल्लाह कल देखेंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह, इसके काम देखें, प्यारी प्यारी बातें सुने। इसको कहाँ लेते जाना, इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, इसका एक्सीडेंट हो गया, ओए होए, इसका एक्सीडेंट हो गया, आज इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर करो अब करो ऐसे नहीं, वही वो भोर बादरी गिर गई, हाँ ये तो जल रही है बादरी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, टींटी भी करती है, जंप भी लगाती है, रोशनी भी करती है, इसको ओके ठीक, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो बादरी हो गई, पागल हो गई, डांस कर रही है ये तो, हाँ हाँ पागल हो गई ये।
हैं, गाड़ियाँ भी आ गई हैं, मंकी भी आ गया है, ये इसकी मम्मा है, ये इसकी मम्मा है कहता है, ये इसका बेटा है, ये गाड़ी पे बैठ के स्कूल गए थे, मम्मा शॉपिंग करने गई थी, फिर आके खाना खाया था इनने, फिर ये शो भी गए थे, है ना अमल खान, ऐसे कह रहे थे। अच्छा सारी गाड़ियाँ स्कूल भी जाती हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ओके मैं बच्चा स्कूल जाता। अच्छा बच्चा भी स्कूल जाता, बच्चा जाता। अच्छा अमन खान बच्चा भी स्कूल जाता है, मम्मा साथ जाता। अच्छा नहीं मम्मा साथ नहीं, हाँ दी तो दी। ऐसे जाते हो गाड़ी पे ड्राइवर के साथ, गुलाम के साथ? हाँ गाड़ी पे गुलाम के साथ मेरा ये बच्चा स्कूल जाता है, बैग लेता, लंच लेता, दादिया लेता, बैग भी साथ लेते, बुक्स भी साथ लेते, दादिया साथ हैं, दादिया गाड़ियाँ भी जरा, ये गाड़ियाँ भी साथ ले जाओगे, पढ़ने जाओगे, खेलने जाओगे, गाड़ियाँ साथ ले जाओगे, गाड़ियाँ तो घर खेलते हैं, स्कूल तो पढ़ने जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, हाँ बस लंच, गुड गुड, लंच भी लेके जाएगा, बुक्स भी ले जाएगा, बैग भी, पानी की बोतल, फिर घर आके गाड़ी के साथ खेलेगा अमन खान, ओके ठीक है, ऐसे ठीक है, ये बड़ा मजे का, मैं भी ले आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खेलूँगी इसके साथ, आप लोग रख सकते हैं, ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये बड़े बंदे जब अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर रहे तो ये पकड़ के आप इसको घुमाते रहो, बैठे रहो, ये काफ़ी रिलैक्स करता है, ये खिलौना नहीं है, वैसे बच्चे खेलते हैं, ये बड़े लोगों के लिए भी है, ये रखते भी बड़े हैं अपने पास, ये अब अपनी असलियत पे आ गए, सारी खत्म हो गए, फिर ऐसा इकट्ठा कर लिया हमने इनको, आप इसको डालेंगे गाड़ी की टोकरी में, और आज आज सारी बातें हमारी अमन खान के साथ, आज हमारा सारा व्लॉग अमन खान के साथ, क्या कहती है पापा, बताती है, है छोटे बच्चों को कोई बताता है, भी ले आयो, वाह भाई वाह, अब ये बड़ी गाड़ी भी आ गई, सबकी मम्मा सब गाड़ियों की, इसके ऊपर रख दो छोटी गा, सो जाए ये भी सो जाए, सबके सोने का टाइम हो गया है, आज सूरज के मौसम को बादलों ने घेरा हुआ है, देखते हैं ये रात को मौसम किस से जाता है, ये सुबह उठ के पता चलेगा, सुबह पता चलेगा बारिश होती है या सुबह तेज सूरज, घर में बनी है कड़ी वाइट चावल, अब रोटी में और क्या बना रहे हैं, रोटी मिसी रोटी किसे कहते हैं, बेसन के आटे वाली, बीजी बेबी के चैनल पे आपने कई दफ़ा देखा है, मैं बारीक बारीक आटा गूंद के उस तरह से बनाती हूँ, आजकल एक फैला हुआ है नाम डोसा, बहरहाल डोसे की तरह पतली नहीं होती, बारीक नहीं होती है, मेरी तरह थोड़ी सी वो होती है, ठीक होती है, और डोसा उसमें और चीज़ डाली जाती है, वो चावलों की रोटी नहीं होती, चावलों के साथ और भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं, वो और चीज़ें मुझे सब पता है, वो बताऊँगी आपको किसी और टाइम, जी हम इसको जैसे थोड़ा सा मक्की का आटा गूंदते हैं ना, तो इस तरह सख्त रोटी का आटा गूंदा जाएगा, इतना सख्त भी नहीं होगा, थोड़ा सा नरम होगा, आम रोटी से सख्त होगा, आटा गूंधेंगे, इसमें बेसन डालेंगे, सब्ज़ धनिया है, ये देखें प्याज, खुश्क धनिया, जीरा, नमक मिर्च अपने हिसाब से, इसको गूंधते हैं, रोटी बनाते हैं, मैं मक्खन के साथ लूँगी, तो जो जो जिस चीज़ से खाना चाहते हैं बहुत मज़े की टेस्टी बनती है, थोड़ा सा हमने दो चम्मच इसमें ऑयल भी डाले हैं ताकि अंदर से ये नरम और खस्ता हो जाए, इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह 10 मिनट 5 मिनट उसके बाद पका सकते हैं, भी बना सकते हैं क्योंकि मैं इससे बड़ी ज़्यादा खा नहीं सकती, मैंने कहा बस मुझे छोटी सी बना के दे दें, ये हम इसकी रोटी तैयार करें, बस इसको उठा के इसके ऊपर ही डाल देंगे, तो ये चीज़ें एक हाथ से नहीं दो हाथ से काम किया जाता है, तो इसको तवे के ऊपर रखते हैं, माशाल्लाह ऐसे गोल्डन गोल्डन हो रही है, एक साइड पक चुकी है दूसरी भी, इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना, दरमियानी आंच पे पकाना है, रोटी आप तंदूर पे लगाएं उसका और टेस्ट होता है, जैसे लकड़ी वाले चूल्हे की चाय का टेस्ट अलग, गैस वाली चाय का टेस्ट अलग, इसी तरह से तंदूर वाली रोटी बनाए बेसन की वो और मज़ेदार होती है।
यहाँ तवे वाली, उसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। बहरहाल सब अच्छी बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा ये रखा है मक्खन, मैंने लेना है मक्खन के साथ, मैंने इसके ऊपर मक्खन भी रख लिया है, और भी थोड़ा सा लेती हूँ। बहुत मज़े की और टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की रोटी चाय लेते हैं, अशा की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिया देगा जल्द। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग भी मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।